इस साल में जो कोयले का उत्पादन है वो 11% की वृद्धि हुई है, जो हिस्टोरिकली हाई है। आज देश के थर्मल पावर प्लांट में 44 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक है, जो करीब 20 दिन का स्टॉक है, और पिट हेड हम लोग मान लें, माइन हेड भी मान लें, तो मिला करके करीब 135 मिलियन टन का स्टॉक है। तो किसी भी प्रकार की आवश्यकता हमको हो समर में और मानसून में, उसके लिए समुचित कोयले की उपलब्धता है, और राजस्थान को जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ तक राजस्थान की जो कैप्टिव माइंस है सर, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ आपने भी अनुरोध किया है, हमारे मंत्री महोदय भी अनुरोध किया है, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ से मैंने भी कई बार बातचीत की है, उनका सहयोग मिल रहा है। आशा है कि आने वाले समय में जो भी मुद्दे हैं उनका और हल होगा, और तीव्र गति से उन समस्याओं का निराकरण होकर के कैप्टिव से जो आना है उसकी भी आपूर्ति होती रहेगी। परंतु जब तक कैप्टिव से समुचित आपूर्ति नहीं होती है, तब तक कोल इंडिया लिमिटेड अपनी लिंकेज पॉलिसी के तहत जितनी भी ज़रूरत है उसकी पूर्ति सतत तौर पर करता रहेगा। सर, ये यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में समीक्षा की थी, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके तहत हम लोगों की लॉजिस्टिक कैपेसिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सोन नगर से लेकर दादरी तक चालू हुआ है, उसमें पहले जहाँ 15 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पर रेलवे रेक चलती थी, अब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। जहाँ रेलवे रेक का टर्न अराउंड 4 डेज होता था, अब वो 1.2 डेज में हो रहा है। रिजल्टेंटली रेलवे रेक्स की अवेलेबिलिटी लगभग 6% बढ़ गई है, और आने वाले समय में सर इसमें और भी गति आएगी। मैं कोयला मंत्रालय की ओर से आपका जो भी दिशा निर्देश होगा सर, निश्चित रूप से उसकी पूर्ण सहयोग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक सर विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोल कंपनीज और कई PSUs सोलर कैपेबिलिटी के लिए जमीन की आवश्यकता के लिए समन्वय करती है। यदि राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान के जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी जहाँ पर जमीन उपलब्ध हो, सरकारी जमीन, उसकी कहीं कोई नीति बन जाए और स्मूथली उस जमीन की अवेलेबिलिटी हो जाए, न मात्र PSUs को बल्कि प्राइवेट सेक्टर को, तो प्रोबेबली सोलर कैपेबिलिटीज और फास्टर इंस्टॉल हो सकेगी। ये मेरा अनुरोध है सर। मैं पुनः सर आपने अवसर दिया हमारा कुल मंत्रालय के PSUs की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए समय सीमा के अंदर जो भी आज MOUs होंगे उन पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। राष्ट्र के ऊर्जा तंत्र को सुदृढ़, स्थायी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कृतसंकल्प भारत सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान आरके सिंह VC के जरिए आज के इस कार्यक्रम में से जुड़े हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीमती दीपा कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हीरालाल लागर जी, माननीय राज्य मंत्री राजस्थान, सचिव कोयला मंत्रालय भारत सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान, उपस्थित अन्य महानुभाव साथियों, आज जो MOU हो रहे हैं उसे यह तो स्पष्ट है कि राजस्थान में जो नई सरकार आई उसको यह स्पष्ट मालूम है कि क्या करना चाहिए, और जिस प्रकार का डिसाइसिव कदम उन्होंने उठाया है वह निश्चित ही आगे आने वाले समय में राजस्थान के ऊर्जा संकटों को समाप्त करे, और यह दूरदर्शी कदम, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं बहुत दूरदर्शी। भजन लाल जी, मैं आपको और आपके पदाधिकारियों को और ऊर्जा मंत्री राजस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमको याद है, हमको तो कुछ समय से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे याद है कि क्या समस्याएं थी राजस्थान। बिजली की समस्या निरंतर थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की समस्या तो अभी भी है, उस पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन बिजली उपलब्धता की समस्या मुख्य थी।
कोयला उपलब्धता की समस्या मुक्त थी। यह विडंबना थी कि कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में राजस्थान के जो कैप्टिव माइंस थे वो चालू नहीं हो पा रहे, ये विडंबना। अब ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी भजन लाल जी, और कोयले की कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोगों ने फॉरवर्ड लुकिंग और ये दूरदर्शी कदम जो उठाया है नया उत्पादन क्षमता बढ़ाने का, ये अपने आप में बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आगे चल कर करके हम लोग का डिमांड, देश का डिमांड बढ़ रहा है। पिछले साल हम लोग का डिमांड करीब 9% बढ़ा, अगले इस साल भी हम लोगों का डिमांड करीब 9-10% बढ़ेगा। अभी हमारा पीक डिमांड 2,45,000 मेगावाट है और हमको लगता है कि ये अगले वर्ष में जा करके ये हो जाएगा कम से कम 2,60,000-2,65,000 मेगावाट। ये इस गति से डिमांड हमारा बढ़ रहा है और ये बढ़ना भी चाहिए। यह गति क्या परिचायक, जिस गति से हमारा देश प्रगति कर रहा है ये उसका परिचायक, क्योंकि बिजली के बिना प्रगति होती नहीं, तो हम लोग को बिजली उपलब्ध कराना है, नहीं तो ये प्रगति रुक जाएगी। और इसीलिए जो कदम आपने उठाया है NTPC के साथ, ये आप जो MOU अभी साइन करने जा रहे हैं, उससे 1600 मेगावाट का तो आपका छाबड़ा थर्मल प्लांट में तो नया कैपेसिटी लगेगा ही, उसके अतिरिक्त भी करीब और भी 2-3 यूनिट्स वहाँ लग पाएंगे। और मेरा तो एडवाइस होगा कि उसको लगवा ही दें, जिस गति से डिमांड बढ़ रहा है और जो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, सब के सब नफा में है, प्रॉफिट में है, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ गया और डिमांड बढ़ेगा, ये डिमांड रुकने वाला नहीं। तो एडिशनल यूनिट्स भी आप लागू कर ही दें। जो आपने निर्णय लिया है कि NTPC के साथ JV करके जो वर्तमान आपके यूनिट्स हैं उसका आप मेंटेनेंस वगैरह करावे ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, यह भी बहुत ही दूरदर्शी कदम। तो भजन लाल जी, जिस इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम। जो पावर ग्रिड के साथ आप MOU कर रहे हैं ताकि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो खामियां हैं उसको दूर हो सके, यह भी बहुत दूरदर्शी कदम। और ट्रांसमिशन सिस्टम में खामियां हैं राजस्थान में, दिक्कत है राजस्थान में, आपको पदाधिकारी बता दिए होंगे, नहीं तो बताएंगे, और उसको दूर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें पावर ग्रिड के पास पर्याप्त संसाधन हैं, तो आपको इसमें संसाधन भी नहीं लगाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो आप ये NTPC रिन्यूएबल से जो आप करार कर रहे हैं, यह भी दूरदर्शी है। 25,000 मेगावाट, इससे आपकी तो आवश्यकता पूर्ति होगी ही, आपको रेवेन्यू बहुत मिलेगा, क्योंकि आप बिजली बेचेंगे पूरे देश में और इसी से आपका पर कैपिटा इनकम हमको लगता है कि 1.5-2 गुना हो जाएगा। वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के कारण राजस्थान का पर कैपिटा इनकम उत्तरोत्तर बढ़ रहा, हर किसान को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपका किसान तो खुशहाल हो ही रहा है, आपका प्रदेश भी खुशहाल हो रहा है। ये 25,000 मेगावाट इसमें से जो आप बेचेंगे देश के विभिन्न भागों में, उससे आपको बहुत रेवेन्यू मिलेगी। तो कुल मिला करके हमको, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो आप लोगों ने ये एग्रीमेंट तय किया है कि आप करेंगे पिटहेड प्लांट्स बनाने के लिए, यह भी दूरदर्शी कदम, यह राजस्थान को आगे ले जाने के लिए, राजस्थान भविष्य का राजस्थान बनाने के लिए सबसे सशक्त कदम है। और मेरी बधाई भजन लाल जी आपको, माननीय उप मुख्यमंत्री को और आपके ऊर्जा मंत्री को और सभी पदाधिकारियों को, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही निर्णायक कदम है और बहुत ही दूरदर्शी कदम है, मेरी बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन तथा सहयोग से राज्य का ऊर्जा तंत्र पूर्ण रूप से सुदृढ़ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और राज्य की संपन्नता बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन बखूबी कर सकेगा। धन्यवाद। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस विशेष अवसर पर हमें भारत सरकार के माननीय कोयला एवं खान मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का सानिध्य VC के माध्यम से मिल रहा है। मान्यवर, हम आपके आशीर्वचनों के आकांक्षी हैं, अपने उद्बोधन के लिए पधारें। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे परम मित्र
और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और भारत सरकार